One of the top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. सबसे बड़ी खासियत है कि इसको हम सिर्फ हाइब्रिड नहीं बोलते हैं, इसको हम स्पोर्ट हाइब्रिड बोलते हैं। नॉर्मली क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब हाइब्रिड गाड़ी होती है तो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी और एनवायरनमेंटल परफॉर्मेंस अच्छी होती है, और जो एक फन टू ड्राइव एलिमेंट जो होता है वो हाइब्रिड में उसको बोलते हैं शायद मिसिंग है। लेकिन ये एक ऐसी गाड़ी है कि उसको हम बोलते हैं स्पोर्ट हाइब्रिड। सो ये फ्यूल एफिशिएंट भी है और इसमें एक्सेलरेशन और पावर भी है जो कि आपको एक फन टू ड्राइव का फीलिंग देती है। इसको हम वर्ल्ड की सबसे एफिशिएंट फ्यूल हाइब्रिड सिस्टम बोलते हैं। इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है 23.1 किलोमीटर पर लीटर, काफ़ी छोटी गाड़ियों से भी इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी है। इसको जो अचीव किया है होंडा ने, नई टेक्नोलॉजी यूज़ की है उसमें, टू मोटर सिस्टम है इसके पास, इसको हम बोलते हैं मल्टी मोड पावर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इलेक्ट्रिक मोड से, हाइब्रिड मोड से, इंजन मोड में ये सीमलेसली अपने आप ये ट्रांसफर हो जाता है इसका, डिपेंडिंग अपॉन द पावर रिक्वायरमेंट एंड एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट। तो इस हिसाब से हम ये समझते हैं कि ये वर्ल्ड की मोस्ट एफिशिएंट हाइब्रिड सिस्टम है। इंडिया की सड़कें जिस हिसाब से हैं, क्या उस हिसाब से इसको तैयार किया गया? एकदम, मतलब कि एकॉर्ड यहाँ पे हमेशा यूज़ हुई है, 2001 में हमने लॉन्च की थी, तो एकॉर्ड यहाँ बड़ी सक्सेसफुल रही, मोर देन 27,000 व्हीकल्स हमने यहाँ पे बेची हैं। तो हम ये मानते हैं कि इंडिया की रोड्स के ऊपर की भी ये बहुत सूटेबल है। बहुत सारी कंपटीशन है, बहुत सारी और भी कंपनियाँ लॉन्च कर रही हैं, तो मार्केट में कितनी एक्टिव उतर पाएगी? हम ये समझते हैं इसको हम अपना फ्लैगशिप मॉडल मानते हैं, होंडा का ही। ये डिस्प्ले करता है हाइब्रिड की बेंचमार्क टेक्नोलॉजी को, तो हम ये डिस्प्ले करना चाहते हैं कि होंडा एक ऐसी कंपनी है जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, तो जो भी गाड़ी होंडा लेके आएगी उसमें इस टेक्नोलॉजी का और इसी एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस का हमेशा प्रयोग किया जाएगा। क्या ये पेट्रोल और डीजल दोनों बदल में? नहीं, ये सिर्फ पेट्रोल में। पेट्रोल में। अच्छा, प्राइस की बात करें तो प्राइस बता दीजिए। दिल्ली में 37 लाख है और बेंगलोर और मुंबई में करीब 40 लाख का। ये कब से मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगा? आज से डिस्प्ले हो जाएगी, शायद डिपेंड बुकिंग पे डिपेंड करता है। तो ये सिर्फ क्योंकि ये सिर्फ CPU इम्पोर्टेड है, मतलब यहाँ पे हम इसको मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, तो कंफर्म ऑर्डर के बेसिस के ऊपर इसको इम्पोर्ट करके दिया जाएगा। और कितने दिनों में अगर बुकिंग के, कितने दिनों में डिलीवरी? हाँ, तो इसमें 3-4 महीने तो लग जाएंगे, थोड़े से ज़्यादा भी लगे, उतना टाइम लग जाएगा।